हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर है। जैसा कि आप सबको पता है, नीट पीजी 2023 काउंसलिंग का बेसब्री से स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। एमसीसी काउंसलिंग अभी डिले होगा, एमसीसी काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ था। और कल एक स्टेट पौंडीचेरी है जो कि ओपन स्टेट है, यहाँ से भी एक नोटिफिकेशन आया है। काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दी गई है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है कल से, यानी कि 13 मई 2023 से, और ये आपको 13 जून 2023 तक चलेगा। तो मैं बात करूंगा एमसीसी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, सीट इंक्रीमेंट के बाद एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकती है, वन एग्जाम वन काउंसलिंग जो 2023 के लिए बताया जा रहा है, क्या एक ही काउंसलिंग होगी, क्या स्टेट काउंसलिंग नहीं होगी, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। और आफ्टर सीट इंक्रीमेंट क्या कटअप हो सकती है, क्या कटअप पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा या फिर नेगेटिव शिफ्ट जाएगा। तो चलिए, इन सारे तमाम जानकारी के साथ मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, साथ में नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में भी बताऊँगा। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में यदि आपको एडमिशन गाइडेंस चाहिए तो चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। हमारे टीम आपको, हमारे एक्सपर्ट आपको बिल्कुल आपको एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे। वैसे तो मैं बता दूँ, कल एक वीडियो अपलोड किया था पौंडीचेरी के ऊपर, उसमें मैं बताया था कि पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है, इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। प्राइवेट तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट सीट के लिए जो एमबीबीएस पौंडीचेरी से किए हैं, जिनका डोमिसाइल पौंडीचेरी का है, वही स्टूडेंट सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइवेट सीट के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है जहाँ की आप सीट ले सकते हैं, मनाकुल्ला मेडिकल कॉलेज। वैसे पौंडीचेरी के अंदर तीन कॉलेज है, एक है आपका पिम्स मेडिकल कॉलेज यानी कि पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दूसरा है आपका श्री वेंकटेश्वर, और तीसरा है आपका मनाकुल्ला मेडिकल कॉलेज। तो आउट ऑफ पौंडीचेरी के स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ मनाकुल्ला में ही सीटें मिलती है, और वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी है, कुछ माइनॉरिटी का भी बेनिफिट मिलता है, तो लिमिटेड सीटें ही अवेलेबल है आउटसाइड ऑफ पौंडीचेरी के स्टूडेंट के लिए। तो आप यदि आप पौंडीचेरी से पीजी करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, इसका लास्ट डेट है 13 जून 2023। इसी बीच मैं बता दूं कि जो पौंडीचेरी का ऑफिशियल वेबसाइट है वह www.sentechpondicherry.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। पौंडीचेरी में अगर फ़ी का बात किया जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक स्टेट कोटा का फ़ी है और दूसरा मैनेजमेंट कोटे के। तो मैनेजमेंट कोटे के सीट के लिए इंडिया के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, और इसका जो फ़ी होता है वो लगभग 23 लाख पर एनम, 22,77,000 पर ईयर है। हो सकता है कि कुछ इंक्रीमेंट है, यहाँ पे कुछ हिडन चार्जेज भी ली जाती है। तो जो स्टूडेंट पौंडीचेरी यानी कि साउथ से पीजी करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन तो कर ही लें, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया से करना चाहते हैं तो सेम कटअप जो पौंडीचेरी के कटअप जाएगा वो सेम कटअप आपको 4 से 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि पौंडीचेरी के सिमिलर होता है। ऐसे में आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान ऐसे स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ की आपको पौंडीचेरी के अकॉर्डिंगली ही कट ऑफ जाती है और आपको सीटें मिल सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा यदि आप नॉर्थ में जाना चाहते हैं, तो आप चाहें तो करा सकते हैं पौंडीचेरी के रजिस्ट्रेशन बैकअप के लिए। कुछ लोग हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, और अपने आप को दूसरे को बुराई करते थकते नहीं, क्या पता क्या होती है, दूसरों को टी डाउन करने में क्या बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग हैं जो मैं वीडियो बनाता हूं उसके बाद वो वीडियो बनाएंगे और वही चीज़ को बताएंगे जो मैं बताता हूं और घुमा के बताएंगे, पहले नो बोलेंगे फिर घुमाने के बाद यस बोल देंगे। तो आप चीज़ों को समझिए कि सपोज डेट मैं बताऊं कि रेडियो का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो रेडियो का कट ऑफ जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो राउंड वन, राउंड टू या मॉपअप राउंड का वही कट ऑफ हम बताएंगे जो कट ऑफ वो बताएंगे, या फिर मैं वही कट ऑफ हम बताएंगे जो वो कटअप बताएंगे। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा करेगा, किसके पास क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने पेड मेंबर को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आप काउंसलिंग दे रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है। आप दूसरों के ऊपर ध्यान ना दें तो ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैसे बोलने वाले तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, इस पर फोकस नहीं करना, लेकिन हम बात करते हैं एमसीसी का। एमसीसी का जो काउंसलिंग है वो जून तो नहीं लेकिन जुलाई तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई से इसका नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं वन एग्ज़ाम वन काउंसलिंग का,
तो वन एग्ज़ाम वन काउंसलिंग, जैसा कि आप देखे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया था कि अब एक ही काउंसलिंग होगी और एक ही काउंसलिंग में स्टेट भी कवर हो जाएंगे, स्टेट काउंसलिंग नहीं होगा। और सभी स्टेट से जो नोडल ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे सारे बायोडाटा ली जाएगी कि आपके स्टेट में कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट का या फिर क्या क्या आपके यहाँ रिजर्वेशन है, क्या बेनिफिट मिलती है स्टूडेंट को, ये सारे चीज़ों को एमसीसी की तरफ से कलेक्ट की जाएगी। देन काउंसलिंग प्रोसीजर होगा। तो ये कलेक्ट करना, प्रोसीजर को देना, वेबसाइट को रेडी करना, सॉफ्टवेयर को एक अच्छे तरीके से रन कराना इतना आसान नहीं है, इतना संभव भी नहीं है इतना जल्दी जल्दी। हो सकता है कि बाय द वे करा लिया जाए, लेकिन उम्मीद कम लग रहा है कि ये 2023 में लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। यदि इम्प्लीमेंट होता है तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। सीट ब्लॉकर ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, या फिर जो स्टेट में स्टूडेंट सीट लेते हैं और ऑल इंडिया में भी लेते हैं और किसी एक सीट को ज्वाइन करते हैं, ऐसे कंडीशन में किसी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। जो सीट आपको 2000 रैंक पे मिलता था वो सेम सीट आपको 4000 पे मिलेगा, यानी कि हायर क्लिनिकल ब्रांच। जो सीट एनेस्थीसिया का सपोज 25000 पे मिलता था वो 30000 में भी मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है वन काउंसलिंग से, और ये काउंसलिंग वो एमसीसी ही कराएगी। देखते हैं इस साल से इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम का। नेक्स्ट एग्ज़ाम का क्राइटेरिया अगर बात किया जाए तो एक तरीके से क्राइटेरिया इसका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भरी चीज़ें हैं कि क्या नेक्स्ट इस साल से होगा या नहीं होगा। जहाँ तक हमारे इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल कन्फ्यूजन में है। नेक्स्ट होने की उम्मीद और नेक्स्ट नहीं होने की बिल्कुल 50-50 लग रहा है। मैं ये आने वाले 10 डेज के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा कि नेक्स्ट हो पाएगा या नहीं होगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नेक्स्ट होने की चांसेस कम ही दिख रहा है। अगर नेक्स्ट होता है तो इस साल कट ऑफ में काफ़ी कट ऑफ जो इस साल का है वो काफ़ी पेचीदा हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट नेक्स्ट आने के जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस साल का काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। तो ऐसे में जो काउंसलिंग होगा थोड़ा सा टफन साइड में चला जाएगा, लेकिन सीटें भी बढ़ रही है, सीट बढ़ेगी, कट ऑफ में जरूर इजाफा होगा, कट ऑफ काफ़ी अच्छे जाते हुए नजर आएगा। अब हम एक बार और बात करते हैं कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आप सबको मैं बताया था पिछले वीडियो में, यानी कि बिफोर कट ऑफ रिविजन, सॉरी बिफोर सीट इंक्रीमेंट, कि क्या आपको कितने रैंक पे कौन कौन से ब्रांच मिल सकते हैं। तो एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो एनेस्थीसिया का लगभग हमें 23,884 बताया था, तो ये लगभग आपको आफ्टर कट ऑफ रिविजन ये 24,000 टच करेगा जनरल के लिए एनेस्थीसिया। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें भी आप लगभग 500 या फिर 1000 रैंक में इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि जो मैं पिछला वीडियो बनाया था उसमें आप एनेस्थीसिया में पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज आप लगभग आप 500 रैंक या फिर 5 to 1000 रैंक को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेडियो डर्मा में सिर्फ 200 to 300 या फिर 400 रैंक इंक्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जाएगा। और ऑप्थल का बात किया जाए, ENT का बात किया जाए, तो इसमें भी आपको लगभग आप 8000 to 1000 रैंक ऊपर जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव जा सकता है। साइकेट्रिक में भी सेम कंडीशन होगा। जनरल मेडिसिन, गायनिक और पीडिया ये ब्रांच में आपको लगभग 500 to 800 रैंक ऊपर जा सकता है। तो ये रहा आपका, रहेगा आपका मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा भी सीटें नहीं इंक्रीज हुई है पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। पॉजिटिव शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा जाएगा वो DNB और NBE डिप्लोमा के अंदर जाएगा। ये ऑल इंडिया कोटा 15% के अंदर उतना ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं जाएगा। अभी और भी सीट इंक्रीज होने की चांसेज है। अगर सीट और 2000 के समथिंग अगर इंक्रीज होती है तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आएगा। वैसे इस साल तो पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा ही जाएगा, लेकिन आफ्टर सीट इंक्रीमेंट, जो अभी तक सीट इंक्रीज हुई है इसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि उतना खास पॉजिटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएगा नहीं आएगा। ऑन एवरेज और बैलेंस्ड पॉजिटिव शिफ्ट जा सकती है, यानी कि कट ऑफ जा सकता है। मैं आप लोगों को जो भी एडवांस इन्फॉर्मेशन दिया था, जितने भी कॉलेज के अप्रूवल के लिए बात किया था, सीट इंक्रीमेंट के लिए बात किया था, ये सारे चीज़ों आपको मैच करते हुए नजर आ रहे होंगे, या फिर पिछले साल या इसके पिछले साल से जो स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहे हैं
मैं जो भी चीज़ों को पहले बताया हूँ वो बाद में होते हुए नजर आया है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी मुंह उठा के बोल रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है आप लोग पे कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों के एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से आप काउंसलिंग में आगे प्रोसीड कर रहे हैं, डिपेंड आप पे करेगा। आप खुद से एक एक्सपर्ट बन सकते हैं, खुद से आप स्मार्ट काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है, आपको किसी काउंसलर किसी एजेंट की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि आप प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। प्रॉपर काउंसलिंग इसलिए डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं या फिर पेरेंट्स नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद का काउंसलिंग होता है और खुद लोग डरे हुए होते हैं और खुद पे जब चीज़ें बीतती है ना तो डर ज़्यादा पैदा हो जाती है। ऐसे कंडीशन में किसी न किसी की सपोर्ट अगर मिलता है तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलीफ मिलता है। तो यदि आप इन सारे चीज़ों को छोड़ते हुए आप अगर एडवांस काउंसलिंग करते हैं, खुद से करते हैं, तो बिल्कुल आपको डैम श्योर सीट मिलेगा। डरने की कोई बात नहीं है, 100% सीट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।